हजारों बेरुजवान परिंदों की मौत के बाद भी प्रशासन और विभाग ने कोई सबक नहीं लिया। कोटा के हाड़ोती में भी बेजुबान परिंदों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। वेटलैंड पॉइंट, झीलों में प्रदूषित पानी और गंदगी इन बेजुबानों पर भारी पड़ सकती है। सांभर झील में हजारों बेजुबान परिंदों की मौत के बाद भी लगता है पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग लापरवाह बना हुआ है। अगर ऐसी ही लापरवाही रही तो सांभर झील की तरह कोटा में हजारों प्रवासी पक्षी मौत के आगोश में चले जाएंगे। देखिए, ये कोटा का उम्मीदगंज पक्षी विहार है। यहाँ हजारों की तादाद में देशी और प्रवासी विचरण के लिए पहुँचते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पक्षियों की वेटलैंड को लेकर कितनी गंभीर स्थिति है। लोग वेटलैंड प्वाइंट और झीलों में गंदगी फैला रहे हैं और यही प्रदूषित पानी पक्षी की मौत की बड़ी वजह बन सकती है। सांभर पक्षी त्रासदी जैसे हालात कोटा में भी बन सकते हैं, क्योंकि जो जिम्मेदार है उनकी नजरअंदाजी भारी पड़ सकती है। क्योंकि कोटा की अगर बात करें तो चंबल के मुहाने पर कई ऐसे पक्षी विहार हैं जहां पर बड़े पैमाने पर प्रवासी पक्षी आते हैं। कोटा और आसपास के क्षेत्रों में काफी पक्षी विहार है जहाँ हर साल हजारों की तादाद में स्थानीय और प्रवासी पक्षी है। इसके बावजूद इन पक्षियों की वेटलैंड पॉइंट पर सुरक्षा को लेकर अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए। इस एरिया में असामाजिक तत्व झीलों और तालाबों में शराब की बोतलें और वेस्ट डाल रहे हैं। वहीं किशोर सागर तालाब में मृत पक्षियों का अवशेष भी इनके लिए खतरा बना हुआ है। अवेयरनेस की कमी, अगर हम लोग वेटलैंड के आसपास के लोगों को अवेयर करेंगे, थोड़ा साफ सफाई रखेंगे तो ये चीज रिपीट नहीं हो सकती। सांभर झील में सरकारी लैब की रिपोर्ट में प्रवासी पक्षियों की मौत की वजह बोटुलिज्म बताया गया है। आखिर बोटुलिज्म है क्या? ये एक किस्म का फूड पॉइजनिंग है जो बोटुलिन के शरीर में जाने से होती है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। सोचिए, प्रदूषित पानी की वजह से कोटा में भी प्रवासी पक्षियों की जान पर बड़ा खतरा हो सकता है। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा।